हेलो गाइस, तो कैसे हो आप। आई होप सबके सब बढ़िया होगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन 7 की। तो ये जो डिवाइस है ना, ये 2016 में लॉन्च हुआ था और जब उस टाइम पे इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास देखने को मिलती थी। बट अभी करंटली अगर आप ऑफलाइन मार्केट में बाय करोगे ना इस डिवाइस को, तो अराउंड आपको 13,000 से 14,000 में गुड कंडीशन में डिवाइस देखने को मिल जाएगा, जिसमें बैटरी हेल्थ वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाती है। ऑफकोर्स जो बैटरी है वो चेंज मिलेगी, क्योंकि यार इतनी साल तक बैटरी सस्टेन नहीं करती। तो आज भी है ना, मैं ऑफलाइन मार्केट में जब गया तो यहाँ पर काफी ज्यादा बायर्स देखने को मिलते हैं इस डिवाइस के, जो कि इसको बाय करते हैं, यूज करते हैं, और यूज करते हुए मैंने काफी बंदों को देखा है। तो मेजरली ना इसमें दो टाइप के बायर्स देखने को मिलते हैं आपको। एक तो वो होते हैं कि जिनको एप्पल का लोगो दिखा के शो ऑफ करना है, चाहे उनके लिए आईफोन 7 हो 5 हो, उनके लिए एप्पल का लोगो ही मैटर करता है, वो बराबर दिखता है उनको। सेकंड बायर्स आते हैं जो कि भाई आईफोन को मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि भाई क्या इनका ऐसा है कि सभी लोग इसको बाय करना चाहते हैं। वो नए डिवाइसेस को भाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके प्राइसेस वगैरह हाई होती है, तो इसलिए वो थोड़े लोअर वेरिएंट्स को ट्राई आउट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि जो ये 2022 चल रही है, इसके अंदर आपको ये डिवाइस बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं ना इसकी मतलब कि फॉर्म फैक्टर के डिजाइन की, तो इतना स्लिम डिजाइन देखने को मिलता है आपको। अभी करंटली कोई ऐसा डिवाइस नहीं होगा जो यार इस प्राइस रेंज में इतना स्लिम फॉर्म फैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। फुल्ली मेटल बॉडी देखने को मिलती थी आपको उस टाइम पे, और मतलब कि सिंगल कैमरा देखने को मिलता, तो डिजाइन काफी बढ़िया है। मेरे पास यानी रोज गोल्ड कलर के अंदर है, आपको ब्लैक कलर में भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो डिजाइन तो है ना वो परफेक्टली एकदम बढ़िया है। अगर आप इसको बाय करते हो तो डेंट्स वगैरह चेक कर लेना, मतलब थोड़े बहुत माइनर डेंट्स तो मिल सकते हैं, बट मेजर डेंट्स नहीं होने चाहिए डिवाइस के ऊपर। तो स्लिम तो है डिवाइस, बट यहाँ पर एक मेजर इश्यू देखने को मिलता है कि आपको इस डिवाइस के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि इस टाइम पे बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगी। मतलब यार इतनी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, और नॉर्मली इन डिवाइसेज आपको बैटरी मतलब कि रिप्लेस्ड मिलती है, क्योंकि यार इतने पुराने डिवाइसेज हैं, ऑफकोर्स जो बैटरी है वो तो चलेगी नहीं, तो न्यू बैटरी आपको रिप्लेस करके देते हैं, तो वो भी इतना ज्यादा चलती नहीं है। मतलब इस डिवाइस के अंदर आप नॉर्मल टास्क कर सकते हो, जो हैवी टास्क होते हैं ना मतलब गेमिंग वगैरह, वो इतनी ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो ये बात हो गई इसकी बैक की। अब बात करते हैं फ्रंट की। तो बैक में तो आपको है ना बिल्कुल प्रीमियम डिजाइन मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फ्रंट आता है ना, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं। तो अभी जो जितने भी नए डिवाइसेज आ रहे हैं वो सारे आपको पंच होल या फिर मतलब कि वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको जो स्क्रीन का फॉर्म फैक्टर है वो बिल्कुल एज टू एज मिलता है। बट इसके अंदर आपको काफी छोटी डिस्प्ले मिलती है, अप्रोक्सीमेटली 5 inches की डिस्प्ले, 4.55 inches की, तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती इस टाइम पे। और जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन था ना वो भी मतलब आपको HD ही देखने को मिलता उस टाइम पे, और इसमें कोई ट्रू टोन वगैरह नहीं है कि थोड़ी बहुत डिस्प्ले और बेटर हो जाए आपकी। तो ओवरऑल ये चीज आप कंसीडर करना कि आपको बेजल्स देखने को मिलेंगे। वैसे पीछे से आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा, फ्रंट में आपको थोड़े बहुत बेजल्स वाला इशू मिल सकता है, और जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है इस डिवाइस के अंदर, जो अभी नॉर्मली इस प्राइस में डिवाइसेस आते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये बात होगी इसकी बिल्ड और डिजाइन की। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर बैटरी तो आपको ऑफकोर्स कम मिलती है, बट हाँ फिर भी आप इसमें गेम चला सकते हो। और मैं ये चीज देख के शॉक हो गया हूँ कि लगभग 5 से 6 साल जो पुराना डिवाइस है उसके अंदर भी आपको इतनी बेटर सेटिंग्स देखने को मिलती है BGMI वगैरह में। तो आप देख सकते हो आपको स्मूथ पे मतलब कि ये सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, कलरफुल वगैरह, और जो फ्रेम रेट्स है ना काफी ठीक ठाक मिल जाते हैं नॉर्मल। आप इसमें मतलब कि खेल सकते हो गेम, ये नहीं है कि भाई आपको बिल्कुल खेला ही नहीं जाएगा, आपके फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप इसको मतलब कि एक दो मैच से ज्यादा खेल लेते हो, जब डिवाइस हीट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि डिवाइस हीट भी काफी ज्यादा हो जाता है, मेटल बॉडी है तो ईजिली आपको हीट फील हो जाएगी इसके अंदर। और बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली आप इसके अंदर 3 matches खेल सकते हो BGMI की, उससे ज्यादा नहीं खेल सकते 100%, और वो भी तभी होगा जब आपकी डिवाइस की जो मतलब की बैटरी है वो गुड कंडीशन के अंदर होगी तब। अब बात करते हैं मेरा फेवरेट, जो कि मैं देख के शौक हो गया था, कैमरा सेक्शन। तो इसमें है ना कैमरा इतना पुराना है, 2016 के आसपास का कैमरा है, तो अभी भी मतलब जो इस प्राइस रेंज के अंदर डिवाइसेज आते हैं उनसे बढ़िया तरीके से कम्पीट करता है, उनसे बेटर भी इमेजेस निकाल के दे सकता है आपको। अभी जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये दो फोटोज है सेम कंडीशन में है। तो एक फोटो है आपकी IQ Z6 की, जो कि अराउंड 16,000 के आसपास का डिवाइस है, और एक है इस आईफोन 7 से। तो आप देख सकते हो आपको दोनों ही फोटो में कौन सी बेटर लग रही है। मेरे को जो आईफोन 7 की है वो ज्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वॉर्म टोन शो करता है और जो कलर्स है उनको नेचुरल रखने की कोशिश करता है। वहीं पर जो आईको वाला डिवाइस है ना वो नेचुरल फोटो मतलब कि लाने के चक्कर में कलर्स को काफी ज्यादा डल कर देता है और बिल्कुल फ्लैट फोटो नजर आती, इतना ज्यादा डेप्थ नहीं मिलता फोटो में। वहीं पर जो डायरेक्ट सनलाइट वगैरह ना काफी बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है। मैं आपको जितनी भी मेरे सैंपल है सारी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो आपको जो कलर्स वगैरह डायनेमिक रेंज वगैरह फोटोज के अंदर वो काफी बेटर देखने को मिलती है, स्किन टोन्स भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट नहीं मिलता फ्रंट के अंदर, बट बैक में मिल जाता है, वो सॉफ्टवेयर वाला ही है, तो उसमें आपको मतलब कि इमेज डिसेंट मिल जाएंगी, एज डिटेक्शन वगैरह ठीक है, फिर भी मतलब कि जो हेयर्स वगैरह है ना उनमें एज डिटेक्ट नहीं कर पाता ठीक से। बट आप ज्यादा कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते, इतना पुराना डिवाइस है वो भी इतनी अच्छी फोटोज निकाल रहा है, तो डेफिनेटली काफी बेटर होगा। तो डेफिनेटली अगर आपने सुना है कि भाई आईफोन का कैमरा बेटर होता है इस वजह से आप इसको बाय कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको काफी मतलब कि अच्छे परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा इस प्राइस सेगमेंट में। अब बात करते हैं वीडियो की। तो वीडियो में है ना यार इस डिवाइस ने इतना बेटर
परफॉर्म किया कि जो 20-20,000 के डिवाइसेज है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते। मतलब जो 20-20,000 के डिवाइसेज है वहाँ पर आपको क्या मिलता है कि 4K 30fps मैक्सिमम। इस डिवाइस के अंदर भी आपको 4K 30fps मिल जाता है, 1080p 60 भी मिलता है, 4K 30fps भी मिल जाता है। और जो आईफोन की वीडियो क्वालिटी है ना ओवरऑल स्टार्टिंग से ही बहुत बेटर रही है। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भी मेरे आईफोन 11 से रिकॉर्ड हो रही है और इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना काफ़ी बेटर मिल जाती है आपको, मतलब कि स्टेबिलिटी वगैरह काफ़ी बढ़िया है। और इसके अंदर कोई भी OIS नहीं है फिर भी वीडियो में सेकीनेस बिल्कुल भी नहीं आती। तो ओवरऑल वीडियो से तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ। अगर किसी को वीडियो के लिए लेना है, मतलब कोई अगर व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करना चाहता है, उनका बजट इतना नहीं है, तो डेफिनेटली आप अगर चाहो ना तो आईफोन 7 ले सकते हो। बैटरी वगैरह यार मैनेज कर लेना, बट आपको वीडियो काफ़ी बेटर निकल के आएगी। तो ये ओवरऑल बात हो गई इसकी कैमरा की। आपको फ्रंट में भी काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है, आपको इमेज सैंपल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आपको वीडियो है ना वही देखने को मिलती है मैक्सिमम 1080p 60fps तक, और जिसमें आपको कलर साइंस वगैरह काफ़ी बेटर मिल जाती है। तो अब बात करते हैं लास्ट कंक्लूजन की। कंक्लूजन ये है कि भाई जो नए डिवाइसेज हैं वहाँ पर आपको मतलब कि जो फॉर्म फैक्टर वगैरह है और जो डिज़ाइन वगैरह है वो बिल्कुल न्यू मिलेगा, प्रोसेसर भी बिल्कुल न्यू मिलेगा। बट वहीं पर ये बात है कि ये वाला जो डिवाइस है आप अगर भाई एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ही लो, मतलब एज ए सेकेंडरी डिवाइस ले सकते हो आप इस डिवाइस को, बट प्राइमरी डिवाइस के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि यार प्राइमरी डिवाइस में ये है कि आपकी बैटरी इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, बार बार यार इतनी ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते आप, साथ ही साथ स्क्रीन रेजोल्यूशन भी इतना बढ़िया नहीं है। अगर आप मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो हाँ, अगर सेकेंडरी डिवाइस लेना चाहते हो या फिर कुछ दिनों के लिए एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आईफोन 7 आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। थोड़ी सी कम प्राइस में ही आपको 12-13,000 में देखने को मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आपको डेली यूजेस के लिए चाहिए तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आईफोन 10 या फिर 11 में शिफ्ट करो। आपको सेकेंड हैंड आराम से 25-30 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों डिवाइसेस। और न्यू भी अभी तो आईफोन 11 आपको 37-38 के आसपास मिल रहा है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था आईफोन 7 का जो मैंने ट्राई आउट किया, क्योंकि मैंने पहली बार आईफोन 7 ट्राई आउट किया, उससे पहले मैंने SE वगैरह ट्राई किए थे। तो ये भी मेरे को काफ़ी बेटर डिवाइस लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो सो ये थी सिंपल से शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूँ।